यहाँ बांग्लादेश ग्राउंड आके लेफ्ट में उत्तन डेप हो जाएगा ओके और राइट सीधा नईगांव वेस्ट में ईस्ट में जाए वेस्ट में जाएगा। राइट से मेट्रो स्ट्रेट मेट्रो सामने ऑपोजिट नईगांव है हाँ, तो ये वाला जो एलिवेटर रोड नईगांव जाएगा उसी में अपनी मेट्रो जाएगी। अच्छा यहाँ से ही जो एलिवेटर रोड जाना है यही रोड सीधा नईगांव चल रहा है। ये एलिवेटर रोड है हाँ। और जो उत्तन वाला रोड है जो कोस्टल है हाँ। वो वसई में जो गांव है हाँ। तो वसई में कोस्टल रोड ज्वाइंट हो जाएगा। अच्छा उत्तन से वसई कोस्टल रोड ज्वाइंट होगा और पुराना रोड है वसई स्टेला पापड़ी अगासी उससे कनेक्ट हो जाएगा ओके। तो लेफ्ट में कोस्टल रोड सेंटर में अपना अशोक नगर देसर वाला जो एलिवेटर रोड आएगा उसी में मेट्रो जाएगी। हाँ, तो आने वाले सालों में उत्तन भी डेवलप हो जाएगा टूरिज्म हाँ, के लिए हाँ, और उत्तन वाला जो रोड है हाँ, वो आपका जैसल पार्क होके सिविलियन क्लब होके फाउंटेन पे जो जॉइंट है थाना वाला वहाँ ज्वाइंट हो जाएगा ओके। ऐसा रिंग हो जाएगा जैसे मरीन लाइन्स रोड है हाँ, जैसे 5 साल में हाँ, सबसे बड़ा मरीन लाइन्स से ज्यादा अच्छा रोड ये हो जाएगा 17-18 किलोमीटर का ट्रेक ओके पूरा लिंक बनेगा पूरा लिंक उत्तन और से लेकर के उत्तन से लेके फाउंटेन फाउंटेन यानी पूरा क्रिक रोड हो जाएगा और आने वाले बिल्डिंग का नाम रहेगा क्रिक व्यू का ही दिखेगा हाँ, सबसे बड़ा हाँ, और उससे बॉम्बे से थाना से आना है हाँ, सीधा उत्तन तो आपको सिटी में अंदर नहीं आना है सीधा बाईपास थाना वाले को सीधा बॉम्बे जाना है बांद्रा तो यही रोड से पकड़े ठीक है अभी बंद है। हाँ अभी तो कुछ है ही नहीं ना नहीं। तो ये जो एलिवेटर रोड आएगा हाँ, तो ये रेलवे है हाँ, ये पांजू ट्रैप हो गया नईगांव ये नईगांव का टेटी है इसको आप देख लो क्या लंबा है नहीं ये ब्लू पे हमें है लेफ्ट में नईगांव पैरेलल चल रहा है। अच्छा ब्लू पे हम तो ये हो गया अटैच होना है दूसरा जो कोस्टल रोड है ये हाँ, जो व्हाइट है हाँ, ये व्हाइट है हाँ, ये वसई विरार का कोस्टल रोड है सोमवारा राइट ये विरार ये जो हाँ, व्हाइट है हो गए और या इधर से आप अभी मारवे का कल ज्वाइंट जो हो रहा है वो इधर हो रहा है ये मारवे जो है ना खाली आधा किलोमीटर का भी नहीं ये जो हो ना वर्सोवार मड लेन तो इतना खाली एक ही ब्रिज है तो ये वर्सोवा मड ज्वाइंट हो गया फिर ये आपका मनोरी ज्वाइंट हो गया मनोरी से गोराई ज्वाइंट हो गया गोराई से उत्तन उत्तन से वसे इसको ऐसा देखो वर्ली बांद्रा और ये जो चीज है ना इसको आपको मैं नया फोटोग्राफ दे दूंगा इसका गूगल आप ऐसा देख लेंगे ना ये बंद कर बंद कर हाँ। भाई इंदर में 15,000 रुपया रेट है हाँ। तो नईगांव आज डेवलपमेंट है हाँ। और 9,000 रुपया कारपेट रेट तो 10 साल के बाद नईगांव क्या होगा राइट जब प्लानेट का ये वैल्यू है जबकि 10 साल के अंदर नईगांव के अंदर 10 साल नहीं 5 साल के अंदर सारी फैसिलिटी कंप्लीट हो जाएगी आ जाएगी। मेरा भाई को 30 साल में मिला हो भाई को नईगांव में 5 साल में मिलेगा यहाँ अनप्लानेट था ग्राम पंचायत है वहाँ तो न्यू डेवलपमेंट है राइट ओके इधर ज्वाइंट हो गए वसई नालासोपारा विरार ज्वाइंट हो गया वैसे मेरा दहीसर बोरीवली अंधेरी कांदिवली सब स्टेशन ज्वाइंट हो गए तो चर्चगेट टू विरार में हर स्टेशन कनेक्ट हो गया कहीं गैप नहीं है अभी खाली गैप है तो खाली नईगांव और वसई के बीच नईगांव और वसई के बीच में ही खाली जो गैप है वही भरना बाकी वही भरना बाकी वही फ्यूचर है वही फ्यूचर और भाईंदर के बाद नेक्स्ट स्टॉप देखें तो अगला स्टेशन नईगांव में रास्ता नहीं था हाँ। ये 4 माले का बिल्डिंग यहाँ पे बस आना नहीं था तब हम लोग 3 रुपए में रिक्शा लाते थे हाँ। तब खाली जीसीसी क्लब बना था हाँ। तो सबसे पहले रश्मि हर्ष हाँ। जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ABCDGH ओके ये हम लोग 1,000 रुपए में बेच 625 रुपया स्क्वायर फुट सबसे पहला ये आपका बनाया हुआ पीछे विद्यानगरी बना था हर्षद भाई का बाद में हमने बनाया ओके ये 4 स्टोरी ओके उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो रश्मि हर्ष 7 स्टोरी ओके फिर ये बाद में 14 माला फिर अभी लोढ़ा का हाँ, इधर 21 माला हाँ, उसके बाद इधर जा हाँ, राइट 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 अरे हाँ, वो सब आएगा सब हाँ, पूरा गाड़ी घूमेगा ना हाँ, ये लोढ़ा हाँ, पूरा लोढ़ा हाँ, लोढ़ा के बाद ये पूरा एरिया डेवलप हाँ, अभी रीडेवलपमेंट आएगा 30 माले से ऊपर आएगा
यानी चार से जितने भी चार माले की बिल्डिंग है, तीन माले की, चार से चालीस सीधा समझो ना, चार से चालीस, चार सात चौदह इकतीस, अभी तीस माले तक पहुंचा है। इस रोड को क्या कहते हैं, ये 30 मीटर का बड़ा रोड, जीसीसी क्लब एरिया। हाँ। और ये आगे जाके घोड़बंदर मिलेगा, सीधा घोड़बंदर, घोड़बंदर मिलेगा, और उधर कोस्टल रोड जो आएगा उसको मिलेगा। ओके, कंटिन्यू रखना है ये चार माला। हाँ। सात माला राइट साइड में रीडेवलपमेंट। हाँ। ये वाली बिल्डिंग नोएडा ने रीडेवलपमेंट में ली है। हाँ। रश्मि हर जीवी। हाँ। तो जिसको हमने 3 लाख में घर दिया, तो उसकी तो वैल्यू 20 साल में बदल गई, 20 साल में 1 करोड़ हो गई, 70-80 लाख, 70 लाख से 80 लाख हो गई। अच्छा, ये रोड सीधा किधर जाता है, आगे जाके 30 मीटर का जेपी का नया रोड बना। हाँ। जो भी वेस्टर्न होटल है उसके बाजू। हाँ, बराबर। और वही रोड आगे जाके जो अपना घोड़बंदर वाला कोस्टल। हाँ। रोड है उससे कनेक्ट हो जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा आगे जाके। और वही राइट साइड में आप घोड़बंदर जा सकते हो, लेफ्ट साइड में जैसल पार्क भाईंदर। हाँ। और भाईंदर वेस्ट जा सकते हो। ओके, आपको यहाँ का न्यू डेवलपमेंट अभी आपको पता है, जो मिरर का लास्ट कोना था आज सबसे बेस्ट कॉर्नर हो गया। राइट, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी, इसको आसान हो गई। और हाँ। दिल्ली एक्सप्रेस, बड़ोड़ा एक्सप्रेस का बड़ा साइज होने से इजी एक्सेस हो गया, खाना हाँ। जाना भी इजी हो गया यहाँ से। हाँ। बॉम्बे जाना भी इजी हो गया। तो ये जो अभी MMRDA का जो रोड है, मेट्रो है, मेट्रो, अच्छा, मेट्रो का MMRDA रोड भी कर रही है और मेट्रो भी। एग्जैक्ट MMRDA ये मेट्रो कहाँ जाएगा, एग्जैक्ट ये मेट्रो नहीं, ये MMRDA का पतरा पड़ा हुआ है। हाँ। जो पीछे आप जो देख रहे हैं कोस्टल रोड, कोस्टल रोड से वहाँ आते हुए। हाँ। और गायमुख का ट्रेन काश्मीरा मिलेगा। हाँ। और गायमुख से काश्मीरा से गायमुख से कासरवडली, थाना से विक्रोली टू मुंबई, यानी रिंग मेट्रो हो जाएगा। रिंग मेट्रो हो जाएगा, तो थाना से इजी हो जाएगा इधर भी। और ये रोड सीधा जेपी वाले रोड को कनेक्ट, राइट साइड में जेपी कनेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड में घोड़बंदर गांव होते हुए फाउंटेन होटल का जो ब्रिज बने उसके नीचे आएगा। ओके, तो फ्यूचर में जो आप बता रहे हैं कि इसी के जो बाजू में लेफ्ट साइड में, फ्यूचर से ज्यादा बता रहा हूँ, ये जो पानी का पाइपलाइन लेफ्ट में नीचे देखिए। हाँ, लेफ्ट में पानी। हाँ, का लाइन है। हाँ, जैसे ही पाइपलाइन सूर्या वाटर का लग गया। हाँ, तो मिरौड़ में जो पानी का प्रॉब्लम 20 साल तक कुछ इसका पॉइंट रहेगा नहीं, तो पानी का फोर्स भी बढ़ जाएगा, काम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो सूर्या प्रकल्प आने वाला है उसी का एंड, वाटर कनेक्शन, ये फाउंटेन से आप देखा होगा हाईवे पे, हाईवे लास्ट स्टेज का 2 महीने में काम खत्म होगा। ओके, तो ये जैसे ही कनेक्ट हो गया यहाँ का 20 साल का, बताओ आगे 20 आने वाले 20 साल की जो भी पॉपुलेशन है उसको पानी का अरेंजमेंट कर। और आगे साइड में देखिए जो बिल्डिंग राइट साइड में जेपी की चल रही है, ये जेपी की बिल्डिंग है राइट साइड वाले की चल रही है, राइट, ये जेपी का चल रहा है, ये भी जेपी का है। ओके, जेपी का के, अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर दिख रहा है डेवलपमेंट तो जेपी का ही दिख रहा है। चलो बॉम्बे से आ रहे थे ना। हाँ। तो बॉम्बे क्या हाईवे अंधेरी, बांद्रा में हाईवे डेवलपमेंट देखा था। हाँ। और मीरा भाईंदर का जो बिल्डर था ऑलवेज रेलवे ट्रैक को ही पकड़ के रखा था। हाँ। तो कभी बाइक कार वाला क्राउड को बिजनेस नहीं समझ पाया। हाँ। और ये बाइक कार बेचने वाले बिल्डर थे बॉम्बे से, तो उसको कार वाला क्राउड का वैल्यू समझ में, इसलिए यहाँ ये डेवलपमेंट हुआ। ये राइट साइड में पूरे जो प्रोजेक्ट है जेपी के है, और ये रोड जो है सीधा चला गया है फाउंटेन होटल, नहीं ये वेस्टर्न होटल का कॉर्नर, वेस्टर्न एक्सप्रेस साई पैलेस होटल है कॉर्नर, जहाँ शिवाजी महाराज का नया पुतला बन रहा है। राइट, ये मीरा भाईंदर का जो काश्मीरा एंट्री था, फ्यूचर ये मीरा भाईंदर का गेट एंट्री हो जाएगा। अच्छा, काश्मीरा फ्लाईओवर से नीचे हो गया। आज से 15-20 साल काश्मीरा का कॉर्नर फेमस था, अभी ये जेपी कॉर्नर करके फेमस होगा, और मुंबई का मीरा भाईंदर का एंट्री एक्सेस पॉइंट हो जाएगा। अभी पोदार इंटरनेशनल यहाँ पे आ, सांताक्रूज वाले यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो मीरा भाईंदर में 350 स्कूल है। हाँ। जो कभी सोच भी नहीं सकते इतनी स्कूल डेवलप हो सकती है। हाँ, आज से 20 साल पहले ऐसा सोचा भी नहीं, एक स्कूल भी नहीं था, खाली एक अभिनव करके था और एक शांति स्टार का सेक्टर 5 में था। राइट, बाकी वो भी कोई स्कूल ही नहीं थी। राइट, ये अपना घर लेफ्ट साइड। हाँ, अपना घर 20 लाख रुपए में, 15 लाख में जो सस्ता घर दिया हो। ओके, यहाँ से आपको क्राउड का पता चल जाएगा। हाँ। ये मीरा भाईंदर बन जाए तो यही क्राउड नायगांव में दिखेगा 15-10 साल के बाद। और ये जो है एकदम क्रीम क्राउड आ रही है, ये मिरर का भी टॉप लेवल का, टॉप लेवल बेस्ट, सबसे बेस्ट। इधर की प्रॉपर्टी का रेट अभी क्या होगा आपके अंदाज? अभी नया लोग ने करण जौहर ने ज्वाइंट लॉन्च किया स्टार करके। हाँ। 69-75 का 1 BHK, 2 BHK 1 करोड़, 3 BHK 1.5 करोड़ करीब, यानी 80 के ऊपर ही है, 70-80 के ऊपर ही एक 1 BHK मिलेगा 70 में। और 1 BHK नॉर्मल कितने कारपेट, कितना 330 से 350 फुट कारपेट, यानी 20,000 रुपया कारपेट रेट है, 350 फुट कारपेट मिलेगा। हाँ। और 70 लाख, तो 20,000 रुपया कारपेट मीरा रोड है, नायगांव 9,000 है। हाँ। वैसे विराट 10,000 रुपया कारपेट है। तो जीसीसी से हम लोग चले और मुश्किल से 5 मिनट में हम लोग 5-7 मिनट में पहुंच गए वेस्टर्न एक्सप्रेस। जब पूरा रोड बन जाए तो 3 मिनट के अंदर आप थाना,
हाईवे गुजरात यानी चार का कॉर्नर बन जाएगा, थाना आपको वसई विरार जाना है, राइट में मुंबई जाना है या इधर पैंदर जाना, तो बेस्ट कॉर्नर पॉइंट होगा ये। आपने सही कहा कि फ्यूचर में ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा, कश्मीर भूल जाएंगे, जेपी कॉर्नर याद, जेपी कॉर्नर याद करेंगे, और यहाँ पे राइट साइड में वेस्टर्न एक्सप्रेस, वेस्टर्न एक्सप्रेस मेट्रो आ जाए तो वहाँ का शिवाजी महाराज का पुतला अगली जयंती को आपको यहाँ दिखेगा। राइट राइट, और ये जो एकदम कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हो जाएगी यहाँ की, बड़ी साइज की हो जाएगी, बड़ी साइज और बार कार के लिए एंट्री इजी हो जाएगा। हाँ, कार एंट्री बहुत आसान हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आ जाएगा, आप इधर थाने जा सकते हैं, वसई जा सकते हैं, इधर मुंबई जा सकते हैं। अभी हम फ्लाईओवर पे देखेंगे, अभी फ्लाईओवर पे जब चढ़ेंगे, फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तब बैठ जाओ। जो पानी का पाइपलाइन, हाँ, प्राइस में बदलाव, हाँ, ये जो पानी का पाइपलाइन वही सूर्या डैम का ना फाइनल स्टेज में खोदा जा रहा है। अब खाली पाइप जो है, पाइप भी मेरे ख्याल से सब जगह ला करके रख दिया गया है, और पाइप लगने का काम शुरू भी हो गया मेरे ख्याल से, काफी आधा फीट हो गया फाउंटेन से यहाँ तक लग गया, फाउंटेन से यहाँ तक लग गया, और आगे जो कंपाउंड वॉल दिख रही है संजय गांधी, हाँ, वो रोड की और ये लेफ्ट साइड की, हाँ, इसकी विड्थ बदल जाएगी, आपको यहाँ से देखो और ज्यादा बड़ा जाओ डबल हो जाएगा, आपको ये झाड़ के पीछे मीरा बैंदर दिखेगा। ओके, जैसे हमने भाईंदर टेरेस से देखा था ना, हाँ हाँ हाँ, वैसा रिक्शा के बाद आपको ये कार जैसे क्लीन हो गया तो मीरा भाईंदर की पहचान मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आगे लेफ्ट में लगाना, जो आज यहाँ किसी ने नहीं पहचाना है। हाँ, लेफ्ट में दबा रिक्शा के आगे, जिस दिन क्लीन हो गया, हाँ, इसके बाद देख लो मीरा भाईंदर, ओ यस, उतर के देख लो पूरा दिखेगा। हाँ, हमारे उतर के वीडियो निकाल, रश्मि का, अरे यार वो नायगांव का बलून दिख रहा है आपका, फाउंटेन का, फाउंटेन का बलून भी देख, तो बलून को लेना, इधर इधर है बलून सामने, बलून 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 ले रहे, हाँ आप सीधा ले, ये जो ब्रिज बना इसको बनने से नायगांव का एक्सेस एंट्री इजी हो गया। हाँ, ये जो है जेटी बन रहा है, आपको आधे टाइम राइट साइड में लाइट का जो खंबा लगा ना, हाँ, राइट साइड में वो जेटी बन रहा है। ओके, तो जो वसई वाला भाईंदर आया, भाईंदर से इधर आएगा। हाँ, तो लोग जिसको वसई विरार नाला सफारा को थाना जाना है, हाँ, तो 30 किलोमीटर का काम 10 मिनट में हो जाएगा, आधा घंटे में जेटी की वजह से, जेटी बस यहाँ रो रो आएगा, हाँ, यहाँ से पकड़ लो बॉम्बे जाओ, गुजरात जाओ या थाना जाओ, मतलब रोरो सर्विस आने से भी बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई, टाइम बहुत। अभी जो करंट रोरो जो चल रहा है भाईंदर से वसई, भाईंदर से वसई, उसको उससे नायगांव को फायदा होता है क्या? होएगा, हो रहा है ना, जिसको भी देखो हाईवे पे ट्रैफिक था, लोग नायगांव वेस्ट में आके रोड कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट जो है रोरो सर्विस से जितनी घोड़बंदर पे आ गए तो वो स्पीड आ जाए, और अभी देखो वो टेरेस पे हम गए थे पानी का टाकी, यस 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 यस, अभी ये क्रिक दिख रहा है उसका, हाँ ये क्रिक, हाँ ये क्रिक जो आपने बताया कोस्टल रोड में, वो तो बलून है अपना 400 का, देखो उधर वो जो सिद्धार्थ में वो बलून उधर भी है क्या, वो पहाड़ पे दिख रहा है बलून, राइट, हाँ हाँ एक बलून दिख रहा है वो आपका 400 का दिख रहा है, वो खंबे के बाजू में देखो ना, ऑरेंज के बाजू में देखा, 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 देखा। वो अपना 7-11 क्लब है, वो जन बलून तो दिख रहा है लेफ्ट राइट, अरे ऑरेंज झंडे के पास, उसका मतलब एक्सेस इजी पड़ गया ना, एक्सेस, तो ये ब्रिज से भी काफी फायदा है, तो मतलब इसकी वजह से ढाबे वगैरह का भी बहुत, हाँ पत्रा मारा है वहां से रोड आ जाएगा, हाँ, वो पूरा लेता रहता, हाँ, फाउंटेन वाले का, अच्छा ये भी फाउंटेन वाले का ही है, उसी में चालू हो रहा है, गार्डनिंग कटिंग में आ जाएगा, वाटर पार्क, यहाँ पे वाटर पार्क चालू कर, वो जो लोग रेस्टोरेंट जाते थे ना फाउंटेन सिटी, ना वो ओपन बर्गर, बर्गर किंग,
अच्छा सी फेसिंग लिया है, ये इसी का है ना, दिल्ली दरबार वाले का ही हो गया ना ये, सब लोग ये ग्रुप ही है, तो वही ग्रुप वाले है ना वो, किलिया मेरे पानी पालनपुर वाले, पालनपुर वाले थोड़ा सामने भी ले ले, सूबी पहले, सूबी पैलेस होटल था पहले, खाली रॉयल गार्डन रिसोर्ट हुआ करता था इधर पे, और अभी तो खाली रिसोर्ट ही रिसोर्ट आ गए इस लाइन, खाली रिसोर्ट अलग अलग गाड़ियां सबके पास आ गई, तो हाँ एक दिन खाना खाने इधर हाईवे से, हाँ हाँ बरोबर बरोबर, रॉयल गार्डन, रॉयल गार्डन लेफ्ट जो दिख रहा है ना उतने नीचे रोड दिखेगा, पांच है फिर रोड राइट साइड टर्न हो रहा है नेशनल पार्क की तरफ, फिर वसई 11 है, विरार 13 किलोमीटर पे अंदर है, ओके अभी देखो पहाड़ है, अभी आप रोड से आपको आइडिया आता होगा, ऐसे राइट टर्न मारते जा रहे हैं, हाँ राइट टर्न मारते जा रहा है, नईगांव सेशन 5, हाँ नाला सुपारा 13, हाँ वसई 11, हाँ और विरार 15, तो मतलब पीछे जो लेफ्ट गया हुआ था वो लेफ्ट से हम लोग जाते थे तो 5 किलोमीटर में नईगांव स्टेशन पहुंचते, और हमारा रश्मि का प्रोजेक्ट है 2.5 किलोमीटर स्टेशन से, 2.5 किलोमीटर इधर सेंटर है, अच्छा यहाँ से 2.5 किलोमीटर ये हाईवे से 2.5 किलोमीटर स्टेशन से 2 सेंटर हो गया इधर है ना, देखो चालू रखना इसको, हाँ नईगांव फ्यूचर, जैसे मीराबाई अंदर थाना का कॉर्नर था वैसे नईगांव पालघर जिला का सबसे पहला कनेक्ट होने वाला कॉर्नर बन जाएगा, तो जैसे कश्मीरा एंट्री पॉइंट था जेपी कॉर्नर हुआ वैसे पालघर का एंट्री पॉइंट नईगांव से हो जाए और वसई विरार का वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि नईगांव से सबसे ज्यादा नजदीक है, मतलब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से नईगांव सबसे ज्यादा नजदीक, और वो जो और अगर नईगांव आदमी गया तो नईगांव से कनेक्टिविटी लेकर के अगर उधर का सी लिंक रोड पकड़ता है, सी लिंक रोड, तो वो सीधा वसई नाला सुपारा सब जगह जा सकता है उससे, बस जैसे नईगांव से एंट्री किया तो राइट साइड से 40 मीटर का रिंग रोड नईगांव वसई नाला सुपारा विरार जा सकता है रिंग रोड से, इंटरनल रोड, और नईगांव वेस्ट में गए तो वहीं से आपका वसई वेस्ट, वसई नाला सुपारा वेस्ट अपना विरार जा सकता है, तो नईगांव ऐसा क्यू पॉइंट हो गया, नईगांव सेंटर में और लेफ्ट राइट दोनों जा सकते हैं, और फ्यूचर में जो मेट्रो आएगी वो रिंग रोड के ऊपर से चलेगी, तो नीचे बड़ा 40 मीटर का रोड, ऊपर मेट्रो, ना ट्रैफिक नड़ेगा ना कोई प्रॉब्लम होगा, और फ्यूचर में आगे जाके कश्मीर जो अपना वर्षो वहाँ पे जो आ रही है गायमुख से, वहीं से एक टी मेट्रो मिल जाएगी, जैसे वो वेस्ट में से मेट्रो आ रही है वैसे ईस्ट में से, जैसे अपना डीएन नगर दहिसर का है, दहिसर से अंधेरी का है, पैरेलल दोनों साइड ट्रेन हो जाएगी, तो आने वाले 10-15 साल में पूरा 300 स्क्वायर किलोमीटर का नया हब बन जाएगा, बन जाएगा, उसमें नईगांव सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, इसलिए ग्रोथ पार्टनर एरिया का एंट्री है ये, वसई का एंट्री हो गया, अच्छा अब ये जो वेस्टर्न एक्सप्रेस से जो हम जा रहे हैं वसई की तरफ, तो यहाँ से वसई कितना किलोमीटर है मेन स्टेशन, वसई स्टेशन 9 किलोमीटर, वसई गांव यहाँ से 16 किलोमीटर, और अगर मैं नईगांव की बात करूं तो नईगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से 5 किलोमीटर, और मतलब 5 किलोमीटर स्टेशन ही है वो, तो एक तरह से पूरे गांव में ही जाना वो हो गया नईगांव, नईगांव पूरा 5 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाते हैं, तीन चार किलोमीटर शुरू हो जाता है, तो भाई ये प्लस पॉइंट दिखा मुझे कि अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आ रहे हैं और नईगांव की तरफ जाना है आपको, तो नईगांव स्टेशन 5 किलोमीटर पड़ता है, और अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आ रहे हैं और वसई से आप वसई स्टेशन तक जा रहे हैं तो वसई 9 किलोमीटर पड़ता है, तो मतलब और अगर आप नाला सुपारा से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप नाला सुपारा जाना चाहेंगे तो आपको 11 किलोमीटर पड़ेगा, ये फर्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि नईगांव के ग्रोथ में ये भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आज ट्रेन से ट्रेवल कम कर रहे हैं लोग, बाइक और कार से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो कार से ट्रेवल करने वाले होंगे आप सोचिए कि उनको अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से अपने घर तक जाना है तो 3-4 किलोमीटर के अंदर वो अपने घर पहुंच जाएंगे,
तो ये एक बड़ा फायदा है। और अगर ट्रेन तक भी जाना है तो भी 5 किलोमीटर है, तो ये एक प्लस पॉइंट बनाता है आगे चल के। नायगांव का जो ग्रोथ मैं बात करता रहता हूँ, नायगांव का ग्रोथ 5 ईयर में बहुत ज्यादा होने वाला है। जो मीरा रोड 20 साल 10 साल लगे पूरी तरह से ग्रोथ होने में, वसई विरार वसई को ग्रोथ होने में टाइम लगा, क्योंकि ये सब जगह ग्रोथ हो गया और इन्हीं सब जगह को जिन लोगों ने डेवलप किया है वही लोग अब नायगांव में आ रहे हैं, तो उनको पता है कि डेवलपमेंट कैसे होना है। और इसी वजह से नायगांव बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। इसीलिए आपने अगर गूगल पे देखा होगा तो गूगल पे हमेशा सर्च में कुछ नायगांव जब सर्च करते होंगे तो उसमें एक डिटेल्स आता होगा, क्वेश्चन मार्क आता होगा कि क्या नायगांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या नायगांव में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा होगा, क्या क्या नायगांव में घर खरीदना चाहिए। ये सब का जवाब अगर आप देखें और अगर आप प्रैक्टिकल इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से 5 किलोमीटर दूर है। अगर मीरा रोड करें स्टेशन से अगर बात करें तो मीरा रोड के बाद भाईंदर और भाईंदर के बाद नायगांव। तो नायगांव अभी जो डेवलप हो रहा है, हालांकि ये सन 2000 से ही वहां पे बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई, 2004 में कुछ प्रोजेक्ट आए, 6 में आए, 12 में आए, 18 में आए, बीच में 2-3 साल कोरोना का गैप हुआ और कोरोना के बाद जो नायगांव का मार्केट हुआ है बहुत ज्यादा उठा है। तो इसीलिए कह रहे हैं हम कि आप सोचिए कि 2004 में 5 लाख का फ्लैट था और 2024 में वही फ्लैट 35 से 40 लाख हो गया। तो 5 साल में ये डेवलप जो होने वाला है वो 5 साल के हिसाब से नहीं होने वाला है। अगर मीरा रोड और भाईंदर का कंपेरिजन करें तो उसके हिसाब से 10 साल का डेवलपमेंट 5 साल में होने वाला है, तो उसका रेट भी वैसा ही हो जाएगा। तो यानी ये भी प्रॉपर्टी के रेट 5 साल में डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से नायगांव में इन्वेस्ट करना भी मुझे लगता है कि सही है और नायगांव में फ्लैट लेना भी सही। दोस्तों अगर मैं नायगांव की बात करूं, जैसा कि नायगांव आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे बिल्डर वहां पे आ रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 22-22 माला, 24-24 माले के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि क्या नायगांव क्या है। तो दोस्तों अगर मेरे नजर से देखो तो मैं मीरा रोड देखता हूँ, भाईंदर देखता हूँ और भाईंदर के बाद नायगांव देखता हूँ, तो नायगांव मुझे एक आज एक बच्चा, बढ़ता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आज के डेट में जो भी बच्चे बढ़ रहे हैं वो हाईटेक बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से नायगांव जो डेवलप हो रहा है वो हाईटेक डेवलप हो रहा है। यानी कि जो पुराने तरीके थे पढ़ने के और पुराने तरीके थे डेवलपमेंट के वो तो अब खत्म हो चुके हैं, नए तरीके से नायगांव बढ़ रहा है। और अगर उसको दूसरे हिसाब में कहे तो नायगांव बच्चा है और अभी नायगांव ही बचा है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके फ्लैट खरीदने के लिए। दोस्तों ये मैं वसई से गुजर रहा था तो ये रास्ता लेफ्ट साइड है और वसई से नायगांव जाता है ये रास्ता। और ये देखिए ये एक जो है वसई विरार महानगर पालिका की बस जो है यहाँ से जा रही है। अभी बच्चा जो बच्चा है वही बढ़ना है, तो जो बच्चा है अभी वो आगे बढ़ेगा भी और बचा हुआ भी वही है। तो आप उसको खरीदिए, अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो नायगांव इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट राइट नाउ, बिकॉज 5 साल के बाद इसका फ्यूचर कुछ और ही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो फ्यूचर होगा नायगांव का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नायगांव को बहुत ही डीप स्टडी कर रहा हूँ, उसके रास्ते को समझ रहा हूँ, उसके डेवलपमेंट को समझ रहा हूँ। और ऐसे ही इतने सारे डेवलपर नहीं आ गए नायगांव में, तो नायगांव बहुत ही डेवलप होने वाला, डेवलपमेंट वसई का डेवलपमेंट ये दिख रहा है मुझे, इस तरह से देख सकते हैं। 2014 के बाद लास्ट 14 से 24 तक 10 साल पूरे बॉम्बे में जो मंदी आई पूरे बॉम्बे में रिलेशन आगे पीछे हुआ, एक ही नायगांव ऐसा था कि जिसका 12 लाख से 24-25 लाख तक पहुंचे। हाँ यार ये बात बहुत खराब टाइम में इतना बढ़ा तो सही टाइम में कितना बढ़ेगा। मैंने वहाँ कई बिल्डर से बात की तो उनके तो रेट ही 37 लाख से चालू हो रहे, 37 लाख 40 लाख 1 BHK चालू हो रहे। और दोस्तों ये जो मैं चल रहा हूँ ये वसई में चल रहा हूँ, वसई की रोड में चल रहा हूँ, और वसई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम निकले हैं और वसई स्टेशन की तरफ जा रहे हैं,
आप देख सकते हैं कि वसई किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वसई का, लेकिन और ट्रैफिक आपको लगता है यहाँ का मूवमेंट अपने पर ही सेल्फ डिसिप्लिन में डेवलपमेंट में डिपेंड नहीं है, राइट इंडस्ट्रियल एरिया है, यस यस, आप गाड़ियों से पता चल रहा है 2 बजा है तो भी इतना क्राउड है, ट्रैफिक तो वसई भी पूरी तरह से डेवलप हो गया है और वसई डेवलप हो गया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज भी है, तो यानी सेल्फ डेवलपमेंट बता सकते हैं इसको, और वसई काफी डेवलप हो चुका है और वसई नाला सुपारा भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन वसई के बाद सबसे ज्यादा जो ग्रो हो रहा है वो नायगांव हो रहा है, क्योंकि नायगांव में मतलब आपको वसई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिख रही होगी, अगर मैं यहाँ पिलर देखे और दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम था, ये देखिए दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम वसई में हमें दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड देखिए, ये दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम चालू है, तो मतलब आप समझिए कि फ्यूचर क्या होने वाला है, नायगांव की तरफ जा रहा है ये, अच्छा ये जो है ये रास्ता नायगांव की तरफ, जूचंद्र स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो जूचंद्र स्टेशन से बहुत करीब है नायगांव, जो हाईवे पे तो, हमने काम देखा था, जो हाईवे वगैरह पे काम थे, तो वसई में भी मुझे उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे नहीं दिख रही है, अभी हम लोग ये गांव वाला है, गांव वाले तो बिल्डिंग डेवलपमेंट वाला पार्ट आपको, तो अभी अगर मैं आपको बात करूं तो देखो अगर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आया हूं और स्टेशन की तरफ जा रहा हूं तो ये गांव जैसा फील लग रहा है, हाँ ये गांव के जैसा विलेज, हाँ ये इसको गोकीरे विलेज कहते हैं, गोकीरे विलेज से गुजर रहा हूं मैं, मेन इलाका अभी आना बाकी है, लेकिन हाँ एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर मैं नायगांव और वसई को कंपेयर करूं तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से नायगांव ज्यादा नजदीक पड़ेगा ना कि वसई, वसई भले ही वेल डेवलप्ड हो चुका है लेकिन अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो वहां से ये दूर है, भले ही रेलवे स्टेशन से नजदीक हो सकता है लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से तो दूर नजर आ रहा है, बस बंद कर देते पानी का इशू समझ रहा है, चालू कर, ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं हाँ। उससे 3 फुट ये नीचे था ओके। तो बारिश में पानी भर गया, लास्ट टाइम एक मेरा वसई विरार म्युनिसिपैलिटी और MMRDC ने अभी 3 फुट उठाया तो जो वसई इसका पानी का प्रॉब्लम था अभी वो भरने वाला खत्म हो गया, हाँ बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया था कि पानी जो स्टेशन से उनको अपने जगह पे जाने में गाँव में जाने में पानी बहुत कमर भर पानी होता है, तो ये वही रोड है जो म्युनिसिपैलिटी ने उठा दिया है, 3 फुट उठाया है, हाँ तो 3 फीट उठाने की वजह से अब इस साल जो है दोस्तों ईस्ट में पानी नहीं भरा जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रोड को ऊंचा कर दिया गया है, स्टेशन वाले रोड को ऊंचा कर दिया गया है और ये पूरा जो है ये सीधा सीधा उधर ही जाता है ये रास्ता स्टेशन की तरफ, बरोबर ना, लेफ्ट में ये सामने सीधा स्टेशन की तरफ जाता है और राइट साइड में वसंत नगरी जाएगा, लिंक रोड नाला सुपारा, हाँ और नाला सुपारा का मंदिर बड़ा गिरा, अभी हम जा रहे हैं लिंक रोड पे जा रहे हैं, राइट, हाँ हाँ हाँ, चालू रहने देना इसके लिए, राइट सामने देखो ट्रेन जा रही है, हाँ रेलवे ट्रैक है बरोबर, वही सही, हाँ ये देखिए ये सुरक्षा का काम चालू है, जो ट्रेन है ना वो सुरक्षा का है, Okay. और वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो सनटेक की दिख रही है, सनटेक बरोबर, वो नायगांव है, इसके बीच में जूचंद्र का ट्रैक है, हुँ. अभी आप ये वसई नायगांव और ये वसंत नगरी, यानी परेरा टू वसंत नगरी, हाँ लिंक रोड, हाँ ये है, ये है अपना वसंत नगरी का रोड, अच्छा राइट साइड में लिंक रोड बड़ा बनेगा, अच्छा अगर ये वसंत नगरी पहुंचने के लिए हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आए तो कितना किलोमीटर होगा एक अंदाजन, वसंत नगरी 7 किलोमीटर, और अगर स्टेशन की बात करें तो स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, डेढ़ है, हाँ पीछे जाएंगे तो डेढ़ और है, डेढ़ 3 किलोमीटर, तो अगर वसई का सबसे बड़ा डेवलपमेंट एरिया यही है क्या वसंत नगरी, ईस्ट में हाँ वसंत नगरी है, हाँ फिर एवर साइन, ओके ईस्ट में वसंत नगरी, उस टाइम में बिल्डर ने देखो 3 माला, नीचे पार्किंग देखो, 3 माले में पार्किंग की व्यवस्था बनाई थी, ओके उस टाइम 95 में सबसे अच्छा टाउनशिप सेट बिल्डर ने बनाया था, ओके सेट जो अभी ACTH वियना मॉल बना रहा है, अच्छा वियना मॉल, आप देखिए
पूरा टाउन प्लानिंग, हाँ ये टाउन प्लानिंग सिटी दिख रही है बरोबर, कहीं पे हो नगरी है, हाँ साथ बना हुआ सिटी है। हाँ दोस्तों, अगर मैं वसई, ये वसई का जब मिरौड़ में 900 रुपया था, 800 रुपया, तो वसंत नगरी का 1000 रुपया था। क्या बात कर रहे हैं, जब यहाँ 1000 था तो आज मिरौड़ का 18000 है। हाँ यहाँ क्या होना चाहिए, वही फ्यूचर है। तो ये एकदम एक प्लानिंग से यहाँ पे वसंत नगरी पूरा बसाया गया, और ये एक ही बिल्डर का है क्या ये पूरा? वल्लभ भाई, अर्जुन भाई सब साथ में ज्वाइंट फैमिली का। ओके, तो दोस्तों एक ही बिल्डर, एक ही फैमिली यानी एक ही एसोसिएट है ये पूरा वसंत नगरी बसाया गया। गार्डन, स्कूल, मंदिर, और आपको दिख रहे होंगे कि ये जो टाउनशिप की गई है, जो प्लानिंग की गई है, और हर जगह जो है झाड़ वगैरह दिख रहा है, मंदिर भी आपको देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे, यानी पॉल्यूशन फ्री ये पूरा इलाका दिख रहा है। मिरौड़ में क्वांटिटी की यहाँ क्वालिटी है। हाँ राइट, ये क्वालिटी हम बोल सकते हैं, और ये किसी सेठ बिल्डर ने बनाया है। सेठ बिल्डर, ये लेफ्ट साइड में स्कूल भी है, SHETH सेठ विद्यालय। हाँ हाँ, बोर्ड में है। अच्छा, सेठ विद्यालय भी है, तो ये सेठ बिल्डर का ही बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया टाउनशिप है, और ग्रीनरी का खास ख्याल रखा गया है। ये वसंत नगरी है, 2000 के बाद मंदी आ गई थी, उसके बाद हम जब आए ये रश्मि ने बंगलो बनाया, ये रश्मि विला। ओ लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे, अरे अच्छा, ये रश्मि ने बंगलो 2005 में बनाए, 5 में चालू किया, 7 में डिलीवरी दी। अच्छा, ये बंगलो है आपका, रश्मि विला। ओके 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 ओके, तो रश्मि ने वसई में होटल भाड़े पे दिया, गैलेक्सी होटल, गैलेक्सी रेसिडेंसी। ओके, वसई है। हाँ, ये वसई का जो सर्कल है, हाँ ये अपने जो मिरौड़ के ललन तिवारी जी का पहला प्रोजेक्ट राइट साइड। अच्छा, ये पहला प्रोजेक्ट है उनका वसई का। ओके, कब की बात है ये? 2004 में ये जा रहा है नाला सोपारा की तरफ, ये जो रास्ता है ये नाला सोपारा, नाला सोपारा स्टेशन की तरफ राइट, वृंदावन के पास। ओके, उस टाइम हम लोग आए तो नारियल जो लगाए थे 2005 में, 4-5 फुट, 25 फुट हो गए, इतना ग्रोथ हुआ। तो यानी ये अगर बगल में आपका प्रोजेक्ट है क्या? अपना स्टार्ट हो जाएगा आगे जा करके, तो ये नारियल के झाड़ वगैरह आप लोगों ने लगवाए उस टाइम, 5 फुट का 25 फुट हुआ, वैसे पैसे का भी ग्रोथ इस तरह से होगा, 5 से 25। देखिए अपना रश्मि दिव्या, रश्मि दिव्या 4 माले की बिल्डिंग 8। ये कब बनाया था आपने? 2006। 2006 यानी रश्मि भी काम करता ही रहा हर जगह, अभी देखो साइलेंट रिक्शा स्टैंड, देखो रश्मि पंजाब नेशनल बैंक, रुपेश भाई के जो फोटो है, बरोबर बरोबर। लिंक रोड है, ये यहाँ से नाला सोपारा पहले हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ओके ओके, ये दिव्या, हाँ दिव्या में भी जाएंगे। ओके, प्रोजेक्ट पे राउंड मार, रश्मि दिव्या भी आपका ही है, रश्मि दोस्तों। आज अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज है 7 मार्च 2024, और आज जब मैं वसई आया हुआ हूं तो मुझे पता चल रहा है कि अब तक 48 बिल्डिंग रश्मि ने यहां पे बनाया हुआ है, और वो सारे बिल्डिंग वेल एस्टेब्लिश दिख रहे हैं मुझे। आगे आगे भी आपका और कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है या नहीं? यहाँ मधुबन में कर रहे हैं। अच्छा, मधुबन यशवंत पार्क सिटी है। हाँ, राधे करके, हाँ वहाँ पे हम लोग ला रहे हैं। मधुबन यानी वसई में ही? वसई में, वसई ईस्ट है, वेस्ट है? ईस्ट में, वसई ईस्ट में एक मधुबन जगह है, वहाँ पे एरिया मधुबन डेवलप प्लानिंग, लेकिन वहाँ पे पूरा टाउनशिप बन रहा है, पूरा टाउनशिप वो रश्मि का, सब लोग बिल्डर मिला, सारे बिल्डर मिला के, तो रश्मि का कितना हिस्सा होगा उसमें? हम लोग वहाँ 20% काम, 20% काम कर रहे हैं, तो यानी कि 2024 में भी रश्मि वसई में काम कर रहा है, हम ये कह सकते हैं, और मधुबन इलाके में। ओके, ये मैं आपको वसई का वसंत नगरी ही है ये ना, वसंत नगरी, अच्छा वसंत नगरी, रश्मि नगरी, रश्मि नगरी, वसंत नगरी के बाद रश्मि नगरी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बिल्डिंग हमें रश्मि की दिख रहे।
बहुत सारा जी नाला, अच्छा लिंक रोड नाला सुपारा क्यों दिख रहा है लिखा हुआ? नाला सुपारा हमने ज्वाइन किया है, ये देखिए रेस्ट एजेंसी बस के पीछे बोर्ड है। हाँ, बस के पीछे देख बोर्ड है लेफ्ट में, रश्मि रेसिडेंसी। राइट, रश्मि रेसिडेंसी। तो ये आप लेफ्ट राइट दोनों साइड रश्मि की बिल्डिंग है, लेफ्ट राइट दोनों साइड जो है रश्मि की बिल्डिंग है, और रश्मि ने यहाँ पे भी काम किया हुआ है। तो रश्मि मीरा रोड वसई नाई गांव में तो कर ही रही है, और ये देखिए एक गणेश मंदिर भी है लेफ्ट साइड में। ओके, हमने उस टाइम 26 जुलाई को बारिश बॉम्बे में भरा तब हम 3 फुट हाइट ज्यादा रहे। ओके, अच्छा हाँ, ये एक चीज देखिए 26 जुलाई को देखते हुए जब बॉम्बे में जो बारिश इतना आया था कि वो आप सबको पता होगा, तो उसी वक्त इन्होंने डिसाइड करके देखिए अपने बिल्डिंग के हाइट को ही 3 फीट ऊंचा कर दिया, यानी इधर पानी आने का बिल्डिंग में तो सवाल ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं कि फ्यूचर थिंग, यानी आगे की सोच। तो रश्मि हमेशा आगे की सोच करके। ओके, रश्मि दुर्विता पार्क। ओके ओके, तो रश्मि जो है फ्यूचर का सोच करके ही काम करती है ऐसा दिख रहा है मुझे। और जो नारियल लगा है नाई गांव में गुलमोड़ पार्क, हाँ, तो ये देख सकते हैं कि नारियल के बड़े बड़े झाड़ जो रश्मि ने आज से 10-15 साल पहले लगाए थे वो अब विशाल होते जा रहे हैं। रश्मि दुर्विता पार्क और आगे देख सकते हैं। तो ये पूरे हम जो लेफ्ट राइट जितनी भी बिल्डिंग देख रहे हैं वो रश्मि का डेवलप किया हुआ है, और आज 7 मार्च 2024 को हम इस इलाके से गुजर रहे हैं। अगर कभी फ्यूचर में गुजरना हुआ और क्या डेवलपमेंट और हुआ तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, फिलहाल इतना ही। दोस्तों ये देख सकते हैं कि नाला सुपारा का जो इलाका है ये पुराना अचोले रोड पे, और अगर आपको इसके पहले का जो वीडियो मैंने दिखाया वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो वसई की तरफ गया है और वसई में किस तरह से रश्मि बिल्डर ने उसको डेवलप किया। तो अगर ये पार्ट देखे और वो पार्ट देखे तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। तो ये एक रश्मि डेवलपर्स का की जो आगे की सोच बताती है कि उन्होंने पुराने चीज को देखते हुए आगे जो कंस्ट्रक्शन किया, आगे जो डेवलप किया उसको इस तरह से किया कि वो फ्यूचर एमिनिटी में तब्दील हो जाए। राइट, यस सर। यहाँ पे जो जो कमियां थी पुराने प्रोजेक्ट में, हाँ। तो हमने लोगों के साथ गार्डन रहे, खिलौना रहे, बच्चों लोग का फ्यूचर रहे, हाँ। उस सोच के ही प्लान किया, इसलिए हाँ। हमारा 70% नाला सुपारा वसे विरारा के कस्टमर हमारे प्रोजेक्ट में, बॉम्बे से 10% ही है, हाँ, यहीं के लोकल ही आदमी ने हमारा घर परचेज किया है। ओके। जैसे बाइंदर ईस्ट वेस्ट वाले लोग बाइंदर वेस्ट में जाते हैं, हाँ, हाँ। नया नगर और पूनम शांति नगर वाले पूनम सागर में गए, सृष्टि में, सृष्टि का अपग्रेड हुआ, और कांदीवली पार्क में जो कांदीवली बोरीवल लोग घर नहीं ले पाए वो आए, तो यहाँ का कस्टमर यहीं पे है और अपग्रेड होने के लिए अपने अपग्रेड लोकेशन में आते हैं। तो हम अभी नाला सुपारा वेस्ट में सफर कर रहे हैं, हम लोग ईस्ट में जा, ईस्ट से अभी वेस्ट में, अभी तो वेस्ट में नहीं, हम ईस्ट में हैं। अच्छा, अभी हम लोग नाला सुपारा ईस्ट में हैं, हम लोग अभी विरार की तरफ मनवेल पड़ाकर विरार एंड में जा रहे हैं। तो ये जो रोड है ये इस रोड को क्या बोलते हैं? ये अचोले रोड बोलते हैं, इसकी राइट साइड में लिंक रोड 40 मीटर का बाहर की, अच्छा इसके राइट साइड में, लेफ्ट में ट्रैक है, सेंटर में पुराना रोड है, और गांव के बाईपास में 40 मीटर रोड जीवदानी मंदिर से नाला सोपारा, नाला सोपारा से वसई, वसई से नाईगांव, नाईगांव से हाईवे पे। ओके, तो दोस्तों ये नाला सोपारा में अगर मैं बात करूं तो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, ये अचोले रोड पे है हम लोग, ये पूरी तरह से नाला सोपारा हम इसको नहीं बोल सकते क्या? इसको आप नाला करके गांव है, सोपारा करके गांव वेस्ट में है। ओके, ये ओके। सही में अचोले गांव, लिंज गांव, बाजू में संतोष भवन, ओके, उधर आपका दूसरा गांव, चार पांच छोटे गांव थे, उसको मिला के नाला सोपारा, उसको नाला सोपारा बोलते हैं। नाला गांव अलग है, सोपारा बंदर अलग है जो वेस्ट में है। अच्छा, खाली रेलवे स्टेशन में नाला सोपारा में, सही में नाला गांव अलग है, सोपारा बंदर अशोक राजा सोपार्क बंदर, वो दोनों विलेज वेस्ट में है। सही, हम लोग अचोले वसे विरार महानगर पालिका अचोले गाँव की खेती जो था वहां से हम गुजर रहे हैं। ओके, तो अचोले से एक्चुअल में हम लोग गुजर रहे हैं, स्टेशन से अचोले जाने का रोड, इसलिए अचोले रोड बोला जाता था, अचोले जैसे अपना काशी मीरा, काशी गांव है, मीरा गांव है, काशी मीरा करके कोई आइडेंटिटी नहीं है। वसई स्टेशन पे लिखा होगा वसई रोड, वसई जाने का रोड, वसई स्टेशन नहीं है। राइट राइट राइट, वसई रोड। दोस्तों देख सकते हैं नाला सुपारा में स्टेशन अचोले रोड, स्टेशन है लेफ्ट में, हाँ 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 बरोबर, लेफ्ट साइड।
स्टेशन दिखा और ये सामने ब्रिज है, ये नरसिंह प्रवेश जाता है ब्रिज से। ओके, ये राइट साइड जो रोड है यहाँ से 9 या 10-12 किलोमीटर करीब हाईवे जो पहला बोला ना 13 किलोमीटर, अच्छा 13 किलोमीटर के बाद हाईवे मिलेगा। तो ये नाला सुपारा अगर यहाँ मतलब मेन स्टेशन के पास है हम यहाँ से और यहाँ से 13 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हाईवे मिलेगा राइट ना, इधर 8-10 किलोमीटर जाएंगे तो सुपारा अरनाला बीच मिलेगा। और ये स्टेशन तो एकदम बाजू में ही लग रहा है मुझे, लेफ्ट में लेफ्ट में। ओके, ब्रिज जहाँ है वो मतलब नीचे रेलवे ट्रैक है। हाँ 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 ओके, ये नाला सुपारा तुलिंज रोड। हाँ अभी ये तुलिंज रोड आ गया, बरोबर तुलिंज रोड आ गया। तो लेकिन सब वही नाला सुपारा करके ही पूरी तुलिंज भी और चोले भी माना जाता है, फेमस है, लेकिन अलग अलग एरिया के नाम है। गांव से गांव में डेवलप हुआ, गांव में डेवलप हुआ तो उसको सिटी हो गया। तो ये अब हम लोग नाला सुपारा वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट में ही सफर कर रहे हैं, मनवेलपाड़ा की तरफ जा रहे हैं, विरार स्टॉप, विरार स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग नाला सुपारा ईस्ट में सफर कर रहे हैं, देख सकते हैं ये आप, ये नाला सुपारा ईस्ट है। तो नाला सुपारा अगर देखा जाए, मैंने वसई देखा, नाला सुपारा थोड़ा कंजस्टेड नहीं दिख रहा है, तुलिंज है या फिर अचोले रोड है, तुलिंज के रोड है वो देख रहा हूँ मैं, काफी कंजस्टेड है और बहुत ही अनप्लान्ड जैसा लग रहा है अगर मैं वसई को कंपेयर करूँ तो। एग्जैक्ट, ये ग्राम पंचायत के टाइम डेवलपमेंट हुआ था, अफोर्डेबल हाँ, हाँ, नहीं था, बजट हाँ, भी कम थे हाँ, लोगों ने अपने अपने चॉइस से घर बनाए हाँ, हाँ, और कोई टाउन सिर्फ को टाउन प्लानिंग थी, लेकिन उसने टाउन प्लानिंग परफेक्ट तरह से मेंटेन नहीं किए, तो अपने हिसाब से डेवलप होता गया। जैसा गाँव इधर आज गांव की स्टाइल में हुआ, तो पुराने कोई डेवलपर भी यहाँ कम आते, उस तरह का जो माहौल था, बॉम्बे के डेवलपर जैसे थाना और वासीम आए, इतने लोग यहाँ नहीं आए, बिकॉज मीरा भाईंदर भी बदनाम था, वैसे भी नाला सुपारा एक तरह से जो माहौल था उस हिसाब से लोग अच्छे डेवलपर नहीं आने से उसका खामियाबा पूरा सिटी भुगत रहा है। दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने वसई देखा नाला सुपारा के, अचोले रोड से गुजरा मैं, तुलिंज रोड से गुजरा मैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन दिखा मुझे, जो घर दिखे मुझे, जो फ्लैट सिस्टम दिखे मुझे, वो बहुत ज्यादा अनप्लान्ड और बहुत पुराने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मुझे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिख रही हैं। अगर मैं आपको सामने भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि सामने भी जो है बहुत ज्यादा जो है बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और बेहतरीन प्लान नहीं दिख रहा है। इससे ज्यादा बेहतर तो मुझे अगर वसई के बाद देखने को कहीं पे मिल रहा है तो वो नायगांव में मिल रहा है, क्योंकि नायगांव एकदम प्लान सिटी बन रहा है। ये लेफ्ट साइड अगर दिखाऊं मैं आपको, तो लेफ्ट साइड देखो कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये बंगलो टाइप तो नहीं लग रहा है मुझे, फ्लैट टाइप 2-3 है। देखो लेफ्ट में ग्राउंड प्लस 2-3 है और आगे जाएंगे तो वर्टिकल चाल देखने मिलेगी। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा डेवलप हमको नाला सुपारा तो नहीं दिख रहा है। वसई अगर इधर देखा जाए तो वसई हमें डेवलप दिखा, और अगर उधर देखा जाए तो मीरा रोड भाईंदर तो डेवलप है ही, उसके बाद अगर कोई डेवलप तेजी से डेवलपमेंट दिख रहा है मुझे तो नायगांव का दिख रहा है, क्योंकि नायगांव में बड़े बड़े टावर्स आ रहे हैं और थोड़े इतने कंजस्टेड रास्ते नहीं है। लेकिन नाला सुपारा के इलाके से, जितने इलाके से गुजर रहा हूँ, चाहे वो तुलिंज रोड हो, सेंट्रल पार्क हो या और कोई इलाका हो, जहां से भी हम गुजर रहे हैं तो कंजस्टेड दिख रहा है। फ्यूचर में हो सकता है कि जब रीडेवलपमेंट प्लान आए तो उसके बाद नाला सुपारा बेहतर डेवलप हो सकता है, क्या बोलते हैं सर? ईस्ट थोड़ा सा हमेशा भाईंदर ईस्ट हुआ, चाहे नाला सुपारा ईस्ट हुआ या विरार ईस्ट हुआ, हमेशा वेस्ट पहले से डेवलप था, ईस्ट में अफोर्डेबल कंफर्टेबल प्राइस नहीं मिलती थी, तो बड़े डेवलपर नहीं आते थे, तो पब्लिक ने अपनी चॉइस के घर बनते गए। अभी नाला सुपारा वेस्ट आप देखें फुली डेवलप है, क्यों? लोग बड़े बिल्डर श्री पिस्ता से लेके काफी डेवलपर आए, तो उसको डेवलप काफी किया। अभी ये क्या हुआ, बॉम्बे में स्लम, बॉम्बे में लोग फ्लैट बेच के, एक घर बेच के, 40 बेच के या 4 लोगों ने लिया, तो यहाँ पे स्लम डेवलप ज्यादा हुआ, वर्टिकल चालिया वाला प्रोजेक्ट ज्यादा हुआ, और काफी लोग बॉम्बे के लोग जो 10,000-15,000-25,000 में लोग नौकरी करते हैं और बच्चे की पढ़ाई भी करनी, तो 5-10 लाख में और क्या बन सकता है? तो लोगों ने यहाँ पे पूरे बॉम्बे की जो सब हर जगह पे यहाँ का बंदा, जो हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए, एयरपोर्ट हुए, जो सबसे 10 पगार कम वाला 10-25 हजार का जो सैलरी, जैसे वॉचमैन, ड्राइवर, क्लीनर, वो सबका बस्ती ये है, तो इसको आप उस बजट की तरह से देख सकते हैं। ये लग्जरियस नहीं है, जरूरतमंद के वाले का सिटी बसा हुआ है,
तो हर आदमी यहाँ ऑटो रिक्शा आपको ज्यादा दिखेगी, लोग यहाँ कम दिखेंगे। बॉम्बे में जो सर्विस क्लास है, जैसे सर्वेंट भले बंगलों में एक सर्वेंट क्लास का एक रूम होता था, वैसे ही सिटी का सर्वेंट क्लास रूम है कि भाई पूरे बॉम्बे को सर्विस देने वाला क्लास इस एरिया में बसता है। ये बहुत परफेक्ट आपने एग्जांपल दिया कि ये नाला सुपारा ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग के लिए हिसाब से जो है अफोर्डेबल रेसिडेंस है, राइट साइड में भी देखेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो रोज डेली बॉम्बे ट्रैवलिंग करने वाले या फिर ऐसे काम करने वाले जो रोज खाने कमाने से संबंधित है, चाहे वो रिक्शा चलाना हो, रिक्शा ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, फैक्ट्री में काम करना हो, वॉचमैन हो, उन सब के लिए अफोर्डेबल प्राइस में राइट नाला सुपारा ईस्ट में रेंट पे भी उनको घर मिल जाता है, और अगर खुद खरीदना भी चाहे तो सस्ते में फ्लैट मिल जाता है। फ्लैट चौल सिस्टम भी यहाँ पे है तो वो भी मिल जाता है। तो नाला सुपारा एक मिडिल, नाला सुपारा ईस्ट की बात करूं मैं, अगर नाला सुपारा ईस्ट पुलिंग रोड है या फिर 90 फीट रोड है या फिर जो है अचोले रोड है, ये सब जगह पे पुरानी बिल्डिंग भी दिख रही है, पुरानी जगह भी दिख रही है, और ये सब में इस तरह के लोग जो है रहते हैं। एक तरह से पूरे मुंबई के लोगों को सर्विस देने वाले लोग भी कह सकते हैं, जो कम सस्ते में रह सकते हैं, 25,000 से नीचे, जिनकी कमाई है 20,000-15,000, वो यहाँ पे रहते हैं अपने परिवार के साथ, और हर तरह का काम करने वाले लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन नाला सुपारा वेस्ट की बात करें तो नाला सुपारा वेस्ट काफी डेवलप है ऐसा बताया जा रहा है, बट नाउ आई एम रनिंग नाला सुपारा ईस्ट, और हम लोग किधर जा रहे हैं, अभी खत्म हो रहा है। हाँ, इसके बाद अभी विरार ईस्ट का लोकेशन चेंज आपको पता चल, लेफ्ट में देखिए, ये देखिए लेफ्ट साइड नाला सुपारा का पुराना डेवलपमेंट दिख रहा है, और फ्रंट में, और अगर फ्रंट में दिख रहा है, ये देखिए हम लोग अगर विरा मतलब नाला सुपारा का एंड हुआ, ये कुछ जो भी झुग्गी झोपड़ी भी दिख रही है देख सकते हैं, लेफ्ट साइड देख सकते हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ी भी दिख सकती दिख रही है आपको, तो ये नाला सुपारा एंड है, अभी नाला सुपारा एंड हुआ, वो विरार वेस्ट का डेवलपमेंट, ये देखिए विरार वेस्ट का डेवलपमेंट हमें यहाँ से ही दिख रहा है वेस्ट का, काफी बढ़िया। और ये सामने ये देखिए, अब ये जैसे हम लोग एंटर किए विरार में, और विरार में जैसे ही एंटर किए तो बड़ी बड़ी टावरें दिख रही है, 2007 में रश्मि गार्डन बनाया था, ओके, रोड नहीं था, ओके, विरार में भी कुछ नहीं था, तब विजन देखा था, ओके, रश्मि गार्डन, अब जो लोग आज बिल्डिंग बना रहे, हमारे बिल्डिंग को आज कलर हो रहा है, 20 साल पहले हम थे। अच्छा, राइट साइड में देखिए, यार से आपको साइज से पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, रश्मि का एक खासियत है कि रश्मि की जहाँ भी बिल्डिंगे हैं उनका झाड़ जो लगा रहता है उसमें पिंक कलर जरूर रहता है, ये आप मेंटेन करवाते हो या लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना झाड़ है, झाड़ बड़े हो गए, हमने 5 फुट लगाए, लेकिन कलर कैसे मेंटेन है ये अपने रश्मि का ब्रांड रहे, लोगों को याद रहे। हाँ, तो इसके आदमी हमारा आता है कलर मार के जाता है। तो ये देखिए, ये इन्होंने अपने ब्रांड को मेंटेन रखा है, तो विरार में भी इनके प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, ये देखा मैंने, देखा वो ऊपर, ये अब विरार का अच्छा नया डेवलपमेंट, तो विरार ईस्ट है ये, ईस्ट में विरार ईस्ट का जो डेवलपमेंट है काफी अच्छा दिख रहा है हमें, वेस्ट में भी और अच्छा हुआ, रुस्तम जी का अच्छा डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, वेस्ट में रुस्तम जी भी आए हुए, काफी 400 बिल्डिंग बना है, अच्छा टाउन बना है, ग्लोबल विलेज, ये विरार में है हम लोग, विरार ईस्ट में, और ये रश्मि का प्रोजेक्ट, ये दोनों साइड आपकी बिल्डिंग है क्या? नहीं, राइट साइड में, राइट साइड में दोनों में है, ओके, तो ये देख सकते हैं कि राइट साइड में, और रश्मि का जहां जहां प्रोजेक्ट है, ये जो बड़े बड़े झाड़ है ये जरूर दिखते है, और ये ऐसे झाड़ है जो लोगों को तकलीफ नहीं देते, सीधा ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद सीधा छांव देते हैं, तो इस इलाके से मैं गुजर रहा हूँ, काफी छांव मिल रहा है, यानी ठंडक मिल रही है, और ये विरार का इनका राइट साइड का प्रोजेक्ट है, राइट साइड में देखेंगे तो, और ये लेफ्ट साइड में भी इनका है रश्मि गार्डन, तो काफी अच्छा, यानी आपने विरार में भी डेवलपमेंट किया है, विरार में आपने कितनी बिल्डिंग बनाई है करीबन?
इधर दो, इधर चार, छह, उधर सात, 14 बिल्डिंग। चलिए तो विरार में भी इन्होंने 14 बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो मतलब आपने नाला सोपारा में भी बनाया है आपने 30, 48 बनाया, ओके, नायगांव में 70 बिल्डिंग बनाया, मिरौड में 150 बिल्डिंग, टोटल 400 बिल्डिंग है मिरौड में। ये प्लॉट अपना है, आगे जाकर ये देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये रश्मि का ही प्लॉट है। आगे जाकर के कोई बड़ा प्लान जरूर होगा इनका, बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होगा। और जहाँ तक इन्होंने रश्मि की अगर मैं बात करूँ तो रश्मि ने वसई में 48 फ्लैट बनाया है, वसई में 48 बिल्डिंग और नाला सुपारा में करीबन 70 बिल्डिंग्स। एंड विरार की बात करूँ तो 14 बिल्डिंग और मीरा रोड में करीबन 170। और नायगांव में अब तक कितने बन चुके हैं आपके? अभी 70 बन चुके हैं, हाँ, लेकिन अभी मीरा रोड में जितनी बिल्डिंग बनाई, हाँ, उससे डबल बिल्डिंग नायगांव में बनेगी, है ना। अभी पूरा हमने जो 20-25 साल में किया वो काम 10 साल में नायगांव में करने वाले। नायगांव में आप बहुत तेजी से डेवलप करने वाले हैं, 20 साल की मेहनत है अभी, हाँ, हमारा तेजी दिखेगा। जो लोगों को लगता है रश्मि का नाम था, हाँ, रश्मि था, है, हाँ, तो हम बोलते है नहीं, हम बताएंगे, हाँ, 10 साल के बाद रश्मि फिर से आपको, हाँ, स्टोरी, हाँ, जो हमने इतने साल डेवलपमेंट किया उसका पिक्चर, हाँ, रिलीज करने का टाइम 27-37 है। ओके, अभी तक हम 8-10 साल जमीन लैंड एक बार पुराना काम खत्म कर, इसलिए मार्केटिंग या खर्चे नहीं कर रहे थे। अभी नेक्स्ट जनरेशन आ गया है तो रश्मि का नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट जनरेशन के साथ स्टार्ट होगा 24-34। क्या बात है, अभी ये देखिए जहाँ पे 1000 रुपए, हाँ, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये रश्मि का, और ये रश्मि का देखिए यहाँ पे भी, इसमें यहाँ पे एक गार्डन करके गार्डन बना हुआ है बीच में, और रश्मि का जो है चारों तरफ से बिल्डिंग है और बीच में गार्डन, ये बड़ा अच्छा उनका प्लान है। ये देख सकते हैं, ये रश्मि का ही डेवलप किया हुआ है और काफी बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट किया हुआ है, देख सकते हैं आप, गार्डन भी है। ये कितने माले की बिल्डिंग है? 7 माले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माला, सामने वाला, 7 माले की बिल्डिंग है। तो ये कब का है प्रोजेक्ट आपका? वो 2008 में आता है, ऊपर राइट पहाड़ पे देखो व्हाइट दिख रहा है, जीवदानी मंदिर, वो जो क्रॉस दिख रहा है, हम लोग टेरेस पे गए ना। चलिए बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ, अभी देख लो सामने पहाड़ पे जो दिख रहा है, हाँ, जीवदानी मंदिर है। ओके, विरार जो जीवदानी मंदिर बोला जाता है, लेकिन जीवदानी मंदिर में यहाँ पे ऊपर चढ़ने में तो बहुत तकलीफ होता है लोगों को, वहाँ पे उसका अच्छा लिफ्ट है, हाँ, और अच्छा ट्रैवलिंग ट्रेन लगाया हुआ है, लगाया हुआ है, अच्छा है। ओके, जाके एक बार देखेंगे तो एकदम अच्छी मेंटेन है, हाँ, यहाँ पे भी अच्छा मेंटेन है, जीवचंद्र का मंदिर भी मेंटेन है। ओके, तो कभी कोई काफी बड़े मंदिर वाला को ये मंदिर आके देखना चाहिए, वेल मेंटेन, वेल मेंटेन। ये जो रोड काफी अच्छा दिख रहा है, कौन सा रोड है? अभी ये जो नया डेवलपमेंट वसई विरार का हो रहा है, हाँ, ये स्टेशन की तरफ जा रहा है, हाँ, तो काफी डेवलप, न्यू डेवलपमेंट इसी रोड पे है, हाँ, हर बिल्डर का आपको दिखेगा डेवलपमेंट, यार अच्छा दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है पूरा। अभी ये डीमार्ट भी आ गया है इधर। ओके, तो ये विरार का डेवलपमेंट, यानी विरार भी काफी कॉस्टली होगा तब तो, फिर विरार भी 4 टुकड़े में है, इधर के साइड में बिल्डिंग है, चंदनसार, हाँ, के तरफ चाल है, हाँ, और वेस्ट में माहड़ा है, हाँ, और ग्लोबल है, तो इसी विरार को 15 लाख से 45 लाख में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यानी चाल में जाए तो 15 लाख, चाल में 15, हाँ, नॉर्मल बिल्डर के पास जाओ 25, हाँ, ब्रांडेड में जाओ तो 35, हाँ, और उसी में लग्जर से आओ तो 45, 15 से 45 विरार में। यस सर, तो भाई नायगांव 40 में कहाँ पूरा है यार, वो इसलिए तो अंडर करंट है, अभी ले लो तो बाद में कभी नहीं ले पाएंगे। नायगांव जब आप अगर विरार की बात करूं, मैं विरार की बात करूं तो विरार की कनेक्टिविटी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से तो बहुत लंबी है। नहीं, लोग यहाँ लोकल स्टेशन का लास्ट स्टेशन है, हाँ, इसलिए विरार को ज्यादा प्रिपेयर। यस, हाँ, उसके सामने क्या हो गया, विरार अगासी तक 3 किलोमीटर पैक हो गया, हाँ, उधर वेतरणा तरफ, सॉरी सफाल नारंगी तरफ पैक हो गया, हाँ, इधर चंदन सार तक पैक हो गया, हाँ, मनवेल पहाड़, तो पहले 6x6 किलोमीटर पैक हो गया, तो अभी, हाँ, कोई ऑप्शन नहीं रहा, हाँ, पहले अवेलेबिलिटी थी नाला सोपर, अवेलेबिलिटी थी, हाँ, वसई थी, तो वसई नाला सोपर विरार तीनों आपने देखा लिंक हो गया, राइट। मीरा भाईंदर बॉम्बे से, तो अभी मजूरी का नाम नायगांव,
नायगांव, मजदूरी का नाम नायगांव नहीं यार, नायगांव तो मुझे लगता है कि काफी स्कोप है दोस्तों। वैसे तो आप इतना ये एरिया देखा इसलिए आप नायगांव समझते, लेकिन आपने एरिया नहीं देखा होता तो आपको लगता है नायगांव में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है आपके पास, बैकग्राउंड में ये एरिया है इसलिए आप नायगांव को समझ पा रहे हो। सीधा जाएगा दोस्तों विरार की अगर बात करूं मैं तो देखो विरार ईस्ट में हूं मैं, और विरार ईस्ट की बात करूं अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करूं मैं तो मुझे ये नाला सुपारे से ज्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है। और एक विरार में रहने वालों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि विरार से बहुत सारी ट्रेन जो है विरार से ही बनती है, विरार टू चर्चगेट, और इसलिए यहाँ से मैं बात काट रहा हूँ इसमें एड करूँ, लोग विरार से जगह 10 लाख सस्ता नाला सुपारा था, नाला सुपारा से बैठते थे और विरार रिटर्न होते थे, विरार वाले को खाली खड़े होने को मिलता था, बैठने को तो नाला सुपारा वाले को मिलता था। ये एक बात है सही, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वसई से भी बैठ के आते हैं, नायगांव से भी बैठ के आते हैं, और कई बार तो इतने सारे बच्चे तो फ्यूचर देख लो, ये सब बच्चे बड़े होके कहाँ जाएंगे, बड़े होकर के उधर ही जाएंगे, स्कूल के बच्चे फ्यूचर नायगांव का, नायगांव में आएंगे नायगांव। तो ये विरार दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, विरार काफी अच्छा डेवलप तो दिख रहा है मुझे, और लेफ्ट साइड में तो काफी प्यारे प्यारे बंगलो दिख रहे हैं मुझे, है ना, काफी अच्छे बंगले है। बंगलों का क्या कॉस्ट होगा यहाँ, यहाँ पे पुराने लोग हैं, हाँ कोई लोगों ने 25 लाख का है, कोई 2 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, अलग अलग अपने अपने हिसाब से ओनर है। हाँ, अच्छे हाँ, से हाँ। ये विरार गांव जैसा है, ये बॉम्बे से कोई मतलब, बॉम्बे से कोई मतलब नहीं, अपने एरिया में अपना राजा है, अपने एरिया में अपना राजा है, राइट। ये काफी मुझे रोड काफी अच्छा दिख रहा है इधर का, अभी रोड का डेवलपमेंट यहाँ पे भी नए जो कमिश्नर साहब आए जैसे मनाली साहब संभाल रहे हैं, हाँ सिटी पे पीछे पड़े डेवलपमेंट के लिए। ओके तो डेवलप अच्छा हो रहा है। अच्छा ये जो विरार जो बोला जाता है विरार वेस्ट कितना डेवलप है, इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, और उसका रेट क्या होगा विरार वेस्ट का, ज्यादा यहाँ तक आए तो विरार वेस्ट में एक राउंड मार लेना चाहिए बार बार तुम। वो ये विरार की तरफ हम लोग विरार दिखा रहे हैं हम आपको दोस्तों, विरार आना हुआ हमारा, और ये अच्छी बात है कि मुझे वसई भी देखने को मिला पूरी तरह से, नाला सुपारा भी देखने को मिला, और विरार भी देखा, और हम जो है अभी नाला सुपारा वसई विरार के ईस्ट के इलाके से गुजर रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये वीडियो आपको जरूर दिखाना चाहिए कि एक्चुअल में नाला सुपारा कैसा है। उधर मंदिर विरार, ये देखिए राइट साइड में जो है जीवदानी मंदिर है, यहाँ पे ही है जीवदानी मंदिर का, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, और ये इलाके का जो डेवलपमेंट है, यहाँ के रोड हमें अच्छे दिख रहे हैं, इससे अच्छे रोड वेस्ट में। ये अभी हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, और ठीक है, लेकिन हमको अगर थोड़ा सा कंजस्टेड दिखा अगर कोई जगह तो वो नाला सुपारा दिखा, वहां का डेवलपमेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन विरार नहीं है, लेकिन आपके जेब में 2-3 लाख हो तो आप भी वहीं रहते हैं। हाँ ये एक जो बात बहुत बड़ी बात ये है कि नाला सुपारा लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि नाला सुपारा में लोअर मिडिल का बजट, जिसका बजट ही ज्यादा नहीं है वो बजट वाले फ्लैट तो खरीद नहीं पाएंगे, बजट वाले घर खरीद नहीं पाएंगे, बजट वाले घर रेंट पे ले नहीं पाएंगे जैसे, तो उनके लिए तकलीफ है, तो लोअर मिडिल क्लास के लिए ज्यादा बेहतर नाला सुपारा है, और वहां पे ऐसे लोग बसे हुए भी है, बाकी अलग अलग जगह में हर जगह में मिक्स लोग रहते हैं। ये विरार के ही पुराना डेवलपमेंट से गुजर रहा हूँ मैं, विरार का ही इसे मुंशी कंपाउंड करके मुझे बोर्ड पे लिखा कोई मुंशी कंपाउंड, जीवदानी रोड, जीवदानी रोड, ये पीछे मंदिर है, जाने का रोड है, वोइरपाड़ा चौक इसको बोला जाता है, साइड में देख रहा हूँ वोइरपाड़ा चौक है, ये विरार का ही है वोइरपाड़ा चौक, देख सकते हैं ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है, ये ओल्ड है, हाँ बहुत ज्यादा ओल्ड कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, तो बहुत पुराना ओल्ड कंस्ट्रक्शन है ये विरार, कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, जब ये देख लेंगे तो विरार वेस्ट और अच्छा समझ में आएगा, जैसे हम जा रहे हैं विरार वेस्ट रास्ते, वहां पे माई फेर रस्तम जी पारेख मेहता, वहां पे ओपन लैंड थी इसलिए ज्यादा अच्छा सिटी डेवलप हुआ। ओके वेस्ट वेस्ट, हाँ हाँ हाँ,
हालांकि अगर वेस्ट की बात करूं मैं तो दोस्तों अभी तक तो मीरा रोड वेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ है, एक पूरी चर्चगेट विरार में खाली एक मीरा रोड ही ऐसा है जहाँ पे वेस्ट नहीं हुआ, बाकी पूरा सोपारा भी पहले वेस्ट कनेक्ट कोस्टल रोड से था, नदी के सॉरी समंदर के पास, वसई भी समंदर के पास था, विरार भी अर्नाला वसई विरार वही था, और जब रेलवे नहीं थी अंग्रेज के टाइम तब तो खाली समंदर से ही पानी आना जाना, तो वह सब समंदर किनारे पे सिटी डेवलप हुए, अंग्रेज आने के बाद लोकल ट्रेन हुई इसलिए सिटी लोकल ट्रेन पे डेवलपमेंट हुआ, फिर हाईवे आया तो हाईवे डेवलपमेंट हुआ, तो समय के साथ जो जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट था वो सिटी डेवलप हुआ। ये मेरे ख्याल से ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला तो ये देखिए दोस्तों विरार वेस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ सब कुछ चेंज भी देखने को मिलेगा। ये ईस्ट और वेस्ट के बीच का इलाका आप देख रहे हैं, परेरा हॉल। ये परेरा हॉल वही परेरा बिल्डर तो नहीं वो जो आप यहाँ पे जो भी बसे रेस्ट में कैथलिक थे, ओके काफी लोग का सरनेम परेरा है, ओके मिल ही जाता है। ये विरार स्टेशन ओके लेफ्ट साइड में देख हम नीचे रेलवे ट्रैक है विरार स्टेशन, अभी देखिए यहाँ से नारंगी तक पे है किलोमीटर। हाँ 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 ओके, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे, ये अच्छी बात है कि ईस्ट और वेस्ट के लिए कई जगहों पे ब्रिज बन गया है, ये नायगांव में भी दिखा मुझे, नाला सोपारा में भी दिखा, वसई में भी है ना, एमएमआरडी और ब्रिज और बनाएंगे, ये एक अच्छी बात है। अच्छा वेस्ट जैसे ही घुसा तो डेवलपमेंट अलग दिख रहा है, ये लगता है देखिए जैसे ही वेस्ट आया मैं विरार वेस्ट, विरार ईस्ट से वेस्ट, तो वेस्ट का डेवलपमेंट अलग दिख रहा है। यस स्लो देख सकते हैं विवा कॉलेज नारंगी तरफ जा। अच्छा विवा कॉलेज किधर है? अभी आएगा। अच्छा अभी आएगा, विवा कॉलेज का बड़ा नाम सुना है। हाँ तो वेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत तो ज्यादा अच्छा तो ये पुराना डेवलपमेंट, पुराना डेवलपमेंट उसके बाद न्यू डेवलपमेंट, दो ऑलवेज 20-20 साल का एरिया लोकेशन डेवलप हुआ है। तो ये जो हम अभी जो देख रहे हैं वो ओल्ड डेवलपमेंट, ये ओल्ड विरार है, ओल्ड विरार है। ओके स्टेशन से बाहर निकले, ओल्ड विरार दिखा मुझे आगे जो है, यहाँ सब कुछ चेंज दिखे बाहर आने के बाद, ये पुराना विवा कॉलेज, विवा कॉलेज हाँ हाँ ठाकुर ग्रुप का कॉलेज है ये, इसलिए सीधा है नीचे जो बैठता है। हाँ 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 इधर की तरफ ओके ओके, ये विवा कॉलेज हो गया और ये राइट अभी देखो यहाँ से आपको डेवलपमेंट ओके। हाँ 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 अच्छा ओल्ड से ये राइट साइड की तरफ अगर मैं जाऊँ आगे इंफिनिटी वगैरह भी है यहाँ पे, ये कुछ ओल्ड कंस्ट्रक्शन ये इधर ओल्ड है मुझे अभी गेट की बात आए। ओके अभी वहां से मुझे कुछ नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ओके इसको आप ऐसा देखना चाहिए, विरार इतना हो गया, हाँ, इतना हो गया वैसे ही हो गया, हाँ, अब इसके बाद जो बच्चे बड़े होंगे, हाँ, तो बॉम्बे की तरफ जाना होगा, तो रोज जो ट्रैवलिंग करते उसके नाइंग ऑफ फ्यूचर क्या हुआ, हाँ, तीन एरिया अभी देखो 40 लाख का वन बेड है, हाँ, बोर्ड से आपको दिखने को पड़ा, देखा देखा मैंने 40 लाख का बोर्ड, ये सब यहाँ से डेवलपमेंट देखा। हाँ 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 ये यहाँ अगर विरार मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग दिखी मुझे, और विरार वेस्ट जो है अलग सा डेवलपमेंट दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि रुस्तम जी जैसे भी बिल्डर आए हुए हैं, तो ये बड़ी बात है कि विरार में रुस्तम जी का भी प्रोजेक्ट आया हुआ है। स्टाइल अप बड़े बड़े शोरूम दिख रहे हैं मुझे, देख सकते हैं पैंटालोन, अरे वाह स्मार्ट बाजार, तो यानी ये तो काफी डेवलप एरिया दिख रहा है मुझे। अच्छा और सामने एवर साइन मैकडोनल्ड,
तरह से देखा जाए तो विरार वेस्ट जो है काफी डेवलप दिख रहा है मुझे। सामने तो एक बहुत बड़ा टावर दिख रहा है मुझे, कौन सा है टावर, नया ही बन रहा है मुझे लगता है ना। अंदर जा सकता था तो बाहर निकलेगा नारंगी, यूटर्न मान यदि नारंगी वाला ब्रिज चालू हो जाएगा ना। ये ब्रिज किसको कनेक्ट करेगा? नारंगी विरार, ये नारंगी गांव है। ओके, ये रेलवे ट्रैक है, ये जब हो जाएगा ना हाँ, तो इजी एक्सेस हो जाएगा। ये जो है ना नारंगी वाला है हाँ, पीछे नारंगी गांव आ गया। ओके, नारंगी गांव को। अच्छा, ये नारंगी हाईवे, ओके, विरार हाईवे जो है ना हाँ हाँ हाँ, जैसे वैसे विरार स्टेशन से जो ट्रैफिक है ना हाँ, ये सीधा बाहर बाईपास हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग जा रहे रुस्तम जी का ग्लोबल है। अच्छा, उनका जो प्रोजेक्ट है रुस्तम जी का, तनिष्क ज्वेलर्स भी यहाँ पे आ चुका है और ये देख सकते हैं 22 इम्यूनिटी अम्यूनिटी सी रिसीट। ये बड़ा अच्छा बनाया है दोनों साइड जो है, सबसे बड़ी बात बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये रोड के जो दोनों रोड के बीच में जो ये हाँ एकदम गार्डन जैसा बना दिया गया है इसको, तो काफी खूबसूरत लग रहा है। पोल्यूशन फ्री एरिया ये तो लग रहा है, वो सर्कल से आएगा फिर वहां से निकलेंगे मेन रोड से। तो ये विरार वेस्ट स्टेशन से कितना किलोमीटर होएगा? ये ढाई किलोमीटर, ढाई किलोमीटर विरार वेस्ट स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे हो। बड़े बड़े होटल्स दिख रहे हैं यहाँ पे और काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अब मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये फील अलग आ रहा है, यानी स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर दूर जो विरार दिख रहा है, विरार वेस्ट खास करके विरार ईस्ट में एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो 20-22 माले की बिल्डिंग दिख रही है मुझे। ये देखिए ओके, ब्लू पर्ल बिल्डिंग का नाम है लगता है। तो विरार वेस्ट वाकई में काफी डेवलप दिख रहा है, लेकिन ये स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और देख सकते हैं बड़े ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, शोरूम है, क्रोमा है, बीच में हमने आपको और भी दिखाया मैक्स है, वो बहुत सारे हाँ। विरार वेस्ट तो काफी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कहीं और आ गया हूँ। अच्छा, जैसे हिरन लंदन कैसा हुआ था? हाँ यार, ये तो एकदम एक अलग ही टाइप का प्रोजेक्ट लग रहा है। किसका प्रोजेक्ट है ये सब? आधा रुस्तम जी ने बनाया, आधा एवरसाइन ने बनाया, बाकी यहाँ के अच्छे बिल्डर ने बनाया। ओके, तो देखिए ये जो है मिक्स बना हुआ है, रुस्तम जी, एवरसाइन और कुछ यहाँ के और भी बिल्डर हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया। बड़ा ही प्यारा डेवलप किया है यार, बहुत अच्छा, गुड। दीवान साहब HDIL राइट, बंगलो जिसका है उसका तो बढ़िया, राइट, नेक्स्ट बढ़िया डेवलपमेंट, बढ़िया। ये एकता बिल्डर, एकता बिल्डर वहां राइट मारने बोला बेटा, पीछे